2024 की रणभूमि तैयार है। बीजेपी एक बार फिर से इस चुनावी कुरुक्षेत्र में अपनी धर्म ध्वजा लहराने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के साथ ही जो हुंकार बीजेपी 2024 में भरेगी, उसे संभाल पाना विपक्ष के बस की बात नजर नहीं आती। हालांकि इस लोकतांत्रिक युद्ध में सफलता किसके कदम चूमेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन धर्म के पथ पर कौन बढ़ रहा है, अधर्म पथ पर कौन चल रहा है, ये सब परखने के लिए जनता तैयार है। ...2024 में बीजेपी के हिंदुत्व वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है और निर्णय लिया गया है कि सनातन पर सवाल उठाना है। लेकिन सवाल है कि क्या सनातन पर तीखे और जहरीले हमले, राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ उठा पारिवारिक पार्टियों का डॉट वाला महागठबंधन इंडिया, मोदी के मजबूत होते छवि को धूमिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? क्योंकि जमीनी हकीकत कहती है कि राजनीति के रण में मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ पाना महागठबंधन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। इसीलिए अगर बीजेपी और मोदी सनातन का परचम लहरा रहे हैं तो फिर विपक्ष उसके विरोध में खड़ा होकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए सपने देख रहा है। इन सब के बीच अब मौजूदा सवाल ये उठ खड़ा है कि सनातन के विरोध में उतरी विपक्षी पार्टियों के लिए संघ की रणनीति क्या है, क्योंकि संघ ही है जो 2024 के लिए विपक्ष के एजेंडे को तहस नहस कर सकता है। इसीलिए इसका जवाब खुद संघ ने ढूंढ निकाला है और संकल्प ले लिया है कि सनातन विरोधियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। परिस्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, उसके संदर्भ में भी वो अपने अनुभव यहाँ बताएंगे। उसके जुड़े हुए कई विषयों पर यहाँ मूलभूत चिंतन भी होगा और आगामी वो संगठन की क्या दिशा है, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या सोचा है, इसके बारे में भी अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर वो साझा करेंगे। बता दें कि ये सब रणनीति बनी है पुणे में, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में मंथन हुआ और योजना रणनीति पर काम भी शुरू हो चुका है। समन्वय बैठक में बीजेपी, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस से मान्यता प्राप्त करीब 36 संगठनों ने बैठक में हिस्सा लिया और रणनीति समझी। ऐसे में अब जब 2 महीने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके कुछ महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में जनता के मन में संघ और संघ से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने क्या छाप छोड़ी है, उसकी जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। और अगर संघ एक बार फिर से पिछली बार की तरह अपनी रणनीति में कामयाब रहा तो यूपीए खत्म कर डॉट वाला इंडिया बनाने वाले चेहरे फिर टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि सनातन विरोधी भाषणों ने अब संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन वाली विचारधारा के लिए दक्षिण का भी रास्ता खोल दिया है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ था, जहां चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए थे और बीजेपी को संघ ने बंगाल में जीवंत कर दिया था। बंगाल में संघ का कमाल। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन संघ की मेहनत ने बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 से 77 सीटों पर पहुंचा दिया था। वोट शेयर भी बढ़ा था। 2016 में जहां 10% वोट शेयर बीजेपी का था, वहीं 2021 में वोट शेयर भी 37% हो गया था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी कमाल हुआ। 2014 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को 2019 में बंगाल में 16 सीटें मिली थी। ये नतीजे केवल बीजेपी को इसलिए मिल सके क्योंकि संघ ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर बंगाल में काम किया। बस इसी तर्ज पर अब दक्षिण में संघ सक्रिय है और दक्षिण भारत के हर एक घर तक पहुंच बनाने के लिए संघ अपने कार्यकर्ताओं की फौज को मैदान में उतार चुकी है। संघ का दक्षिण प्लान, हर 20 घर के लिए एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई। कार्यकर्ताओं के ऊपर एक प्रमुख कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई। प्रमुख कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। संघ इस रिपोर्ट पर विचार करेगा और बीजेपी को गाइड करेगा। कर्नाटक हार के बाद से ही संघ दक्षिण में सक्रिय है और अपने लक्ष्य पर काम शुरू कर चुका है। संघ संवाद और समन्वय अब मोदी लहर को दक्षिण में पूरी तरीके से लाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे बेहतरीन मौका भी हाथ लग चुका है, क्योंकि संघ एक नए सिरे से एंटी सनातन हवा को उड़ाने के लिए प्लान बना चुका है। दरअसल हिंदुत्व का मुद्दा दक्षिण भारत में ज्यादा असरदार कभी दिखा ही नहीं,
लेकिन अब संघ सनातन विरोधी टिप्पणियों को मुद्दा बनाकर एक नए सिरे से दक्षिण में राजनीति शुरू कराने के मूड में है। दक्षिण में बीजेपी की हालत। दक्षिण के 6 राज्यों पर संघ और बीजेपी का फोकस है। ये राज्य कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। दक्षिण के इन 6 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना की 17 सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिली थी। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश और केरल में पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन अब 2024 के लिए संघ अलग रणनीति के साथ उतरने को तैयार है, ताकि बीजेपी को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। वैसे भी देश में 2014 के बाद से चली राष्ट्रीय विचारधारा की लहर में एक बड़ी भूमिका संघ और इसके संस्कारों की रही है, जिसे पीएम मोदी ने अपने विजन में शामिल कर एक नया इतिहास रच दिया। 2014 के बाद 2019 में भगवा लहराकर 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है। पुणे की बैठक में इसी हैट्रिक को पूरा कराने के लिए प्लान बनाया गया। बस अब संघ की कोशिशें यही है कि हर वर्ग समुदाय तक पहुंचा जा सके। युवाओं, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट, महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्हें अपनी बात बताई जा सके और लगातार दक्षिण में संवाद का सतत प्रयास चलता रहे। फिलहाल इसका कितना असर दिखेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सनातन पर बोले गए विपक्षी गठबंधन .India के जहरीले बोल ने बीजेपी और संघ को एक नया रास्ता दे दिया है, जिस पर चलकर दक्षिण में कमल खिलाने की तैयारी कर ली गई है। संघ नींव रख रहा है, बीजेपी महल बनाने को तैयार है और नरेंद्र मोदी इतिहास रचने के लिए प्रतिबद्ध है। संवदध्वं संभो मरांसि जानकाम् ॐ संवेद